सामने वाले अपराधी जो उसने अपराध करा है, सामने वाले पे जब पूरे परिवार पे चोट पहुंच रही है, तो जो अपराधी है उसके परिवार पे भी तो चोट पहुंचनी चाहिए। ये तो सोचो, एक और बताता हूँ अपराधी है, उनके घर जो है तोड़ देने चाहिए, जो अपराध करते हैं, चाहे बलात्कार हो, चाहे कोई बड़ा जुर्म हो, चाहे पीछे है, इसलिए बुलडोजर बहुत खौफ है उनके अंदर। जिनके बच्चे 6-7-8 बच्चे लेके जो पावर में घूम रहे हैं ना, पता बाबा बैठा हुआ है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये तो दो बस क्या बोलूँ, सुप्रीम कोर्ट को जो है ना ध्यान देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में कैसे कत्लेआम मारा गया है, वो घर तोड़ना तो गलत है, मैं बोलता हूँ सीधा एनकाउंटर कर देना चाहिए उसको, सीधा जो गलत करे उसको बिल्कुल नष्ट नाश्ट कर देना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, लोकतंत्र के खिलाफ है, उसका घर क्यों तोड़ रहे हैं? जो लोग गलत करे ना उनको मारना चाहिए, घर तोड़ देना चाहिए, नाबूद कर दो बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है वो सही आई है, बाबा का बुलडोजर अब जो है स्थगित होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए एक बात बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक जो अपराध करता है, 5 व्यक्ति हैं परिवार में और अगर एक अपराध करता है तो पूरी फैमिली क्यों झेले इस चीज को कि बुलडोजर चल गया। अगर मैं किसी लड़के का रेप करूंगा तो क्या वो लड़की ही शोषण होगी? क्या वो लड़की ही पीड़ित होगी? क्या उसके परिवार पर चोट नहीं पहुंचेगी? तो जब पूरे सामने वाले अपराधी जो उसने अपराध करा है, सामने वाले पर जब पूरे परिवार पर चोट पहुंच रही है, तो जो अपराधी है उसके परिवार पर भी तो चोट पहुंचनी चाहिए। ये तो सोचो, एक और बताता हूँ काहे का जाती है जनन्ना भाई, काहे का हिंदू धर्म बांट दो, उसमें भी ऑलरेडी हिंदू, पहले हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, अब हिंदू को आपस में जाती है जनगणना कर दो, जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अनुराग ठाकुर ने पूछा तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं राहुल गांधी जाति क्यों पूछी। अबे तुम्हारा सरकारी आदमी जाएगा वो क्या जाति तो पूछेगा? एक उदाहरण और, महिलाओं पे बोल नहीं सकते, ये महिलाओं पे एक महीने तक यह महिला बैठी रही, मणिपुर के लिए कुछ नहीं करा और वो लेके आ गए संविधान। एक चीज और तो सुनिए, बुलडोजर चलना क्यों जरूरी है? अब एक सुन लो बुलडोजर क्यों जरूरी है? सुन तो लो यार, पढ़े लिखो कि बुलडोजर क्यों जरूरी है? बुलडोजर चलना इसलिए जरूरी है, मान के चलिए कि मैं बीस हजार रुपए की नौकरी करता हूँ। अब मैं 20,000 रुपए की नौकरी करता हूँ, मुझे पता है कि अगर 10,000 रुपए मैं पत्थर चलाने में चलाऊंगा और 10,000 रुपए मैं अपनी फैमिली को दूंगा, तो मेरे पास इकोनॉमिकल पावर, फाइनेंशियली पावर है। अगर मकान टूटेगा तो फाइनेंशियली पावर टूटेगी, जब फाइनेंशियली पावर टूटेगी तो तुम्हारे पास औकात ही नहीं होगी कमर तोड़ने की, पत्थरबाजी करने की। ये रियलिटी है, इसीलिए बुलडोजर चलना बहुत जरूरी है। मोदी राज में पत्थरबाजी हो रही है, शर्म करो, गृह मंत्री शर्म करो, यही तो कह रहे पत्थरबाजी हो रही है। ये इसने बोला अभी कि पत्थरबाजी है, पप्पू आ गया, अरे वो तो है नहीं सरकार में, पप्पू कहां है, विपक्ष के नेता है, अरे विपक्ष के नेता है नहीं, पप्पू है तो है, सारे देश बोल रहे हैं जब पप्पू से, तो मैं क्यों ना बोलूं? कुछ तो गलतियां हैं उसमें कि लोग पप्पू कह रहे हैं, पप्पू का टाइटल क्यों? क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान मैम कहाँ से आप? न्यू दिल्ली से मैम। अभी उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिक्स हो रही है, वहाँ बुलडोजर मॉडल पर बार बार विपक्ष नेता कहते हैं कि ये गलत है, बुलडोजर मॉडल ही दादी है, उनके घर जो है तोड़ देने चाहिए, जो अपराध करते हैं, चाहे बलात्कार हो, चाहे कोई बड़ा जुर्म हो, चाहे जो गलत करे उसको बिल्कुल नष्ट नाश्ट कर देना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, लोकतंत्र के खिलाफ है, उसका घर क्यों तोड़ रहे हैं? जो लोग गलत करे ना उनको मारना चाहिए, घर तोड़ देना चाहिए, नाबूद कर दो बिल्कुल, घर तोड़ना तो गलत है, मैं बोलता हूँ सीधा एनकाउंटर कर देना चाहिए उसको, सीधा। सारे नियम बन चुके, सब पुराने बने आए चले आ रहे हैं, तो भाई नया नियम कब आएगा भाई? पुराने ध्वस्त होंगे तभी तो नए नियम आएंगे। घर आप पूरे परिवार को सजा भाई, पूरे परिवार की बात कहाँ से, इसमें एक पीड़ित होती है तो सारा सबको होता है, सबको विक्टिम होता है ना भाई, तो अब डर आखिर खौफ कैसे बनेगा? खौफ बनाना जरूरी, एकदम जरूरी है भाई। भाई 150 करोड़ का भाई, अमेरिका और फॉरेन से कंपेयर मत करो भाई, जहाँ 40-50 लाख की आबादी है ना, वहाँ अलग चीज है, कोऑर्डिनेट करना बड़ा आसान होता है, 150 करोड़ पब्लिक यहाँ रहता है ना, वहाँ जा के देखो, वहाँ हल्का तानाशाही हल्का नहीं चलेगा तो नहीं होगा। राहुल गांधी कहते हैं कि असंवैधानिक है, आप घर क्यों तोड़ रहे हैं, परिवार की बच्चों पहले भाई 100 साल पहले बहुत सारे साइंस में इन्वेंशन हुआ था, आज के डेट में नहीं हो रहे हैं क्या भाई? संविधान बना तो बना, अभी नया रूल्स बनने चाहिए। राहुल गांधी खुद संवैधानिक है, राहुल गांधी खुद संवैधानिक है, और क्या, पुरानी चीजें ध्वस्त होंगी तभी तो नया निर्माण होगा भाई।
धर्म पूरा देश मांग कर रहा है यूपी मॉडल भाई। धर्म के धर्म धर्म चीज नहीं होता है। देखो यहाँ पे है कि बेसिक एक लाइन समझना होगा क्या कि उसके नीचे क्या हो सकता है, क्या उसके ऊपर हो सकता है। एक बार सेट करना होगा जहाँ उसकी वहाँ उससे ऊपर नहीं जाना है। ये नहीं कि गांधी को चारों धर्म का मिश्रण है, वो चारों धर्म मिले हुए उसके अंदर, तब जाकर राहुल गांधी जी हुए। इसलिए वो सब पूरे देश को ऐसे ही बनाना चाह रहे हैं। पवित्र हो गए यार चार धामों का। अरे चार धाम नहीं, चार धर्मों का, चार धर्मों का। सुनो ये कह रहे ना बुल्डो जातीय जनगणना, अबे काहे का जातीय जनगणना भाई, काहे का? हिंदू धर्म बांट दो, उसमें भी ऑलरेडी हिंदू, पहले हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, अब हिंदू को आपस में जातीय जनगणना कर दो। जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अनुराग ठाकुर ने पूछा तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं राहुल गांधी जाति क्यों पूछी। अबे तुम्हारा सरकारी आदमी जाएगा वो क्या जाति तो पूछेगा, मतलब कौन जात हो इसकी जाति पूछ लेते भड़क के, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने सिख सवाल किया था। अब बात रही देखो बुलडोजर की, तुम लड़के देख, सुनो तुम लड़के देख रहे, जिसे घर में सात आठ भैया हो गए ना, वो अंदर सात भैया, सुनो सात भैया मेरे पीछे, छह भैया मेरे पीछे, दो बच्चे वाले को देख लेना, वो पहले वो हाथ जोड़ के कह देगा भैया चल रहा हूँ, मेरे माँ बाप बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, और छह सात बच्चे वाला पढ़ाना तो है पीछे है। इसलिए बुलडोजर बहुत खौफ है उनके अंदर, जिनके बच्चे छह सात आठ बच्चे देखे जो पावर में घूम रहे हैं ना, पता बाबा बैठा हुआ है और बहुत अच्छा काम कर रहा है ये तो दो। बस क्या बोलूँ, सुप्रीम कोर्ट को जो है ना ध्यान देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में कैसे कत्लेआम मारा गया है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा है, ये तो बाबा जी है जो सुप्रीम कोर्ट बचे हुए भाई। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गलत बयान है वो बांग्ला। सुनो सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिल। कहाँ से आप? मैं यूपी से भाई, मुरादाबाद से। यूपी से हैं, फिर तो सवाल आपसे तो बनता ही है कि ये बाबा का बुलडोजर, ये इसकी क्या आपके माइंड में इसकी क्या परिभाषा है बाबा के बुलडोजर की, कैसा है? ठीक है, सही है, हमारे यहाँ तो खैर इतना वो नहीं हो रहा है, ठीक ही है। हाँ जिसके लिए जिसको है दिक्कत उसे है, या अपराधियों के लिए तो बने ही है बुलडोजर, जो गलत करेगा उसके लिए तो है। धर्म के आधार पर भेदभाव करता है क्या बुलडोजर? हाँ थोड़ा तो है, थोड़ा तो है, हाँ थोड़ा तो है। ये अखिलेश यादव कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, हम भी बार बार कहते आए हैं कि बुलडोजर जो है ये असंवैधानिक है, लोकतंत्र के खिलाफ है। हाँ लोकतंत्र के खिलाफ तो है, आप सही भी कहते हैं आप, थोड़ा सा हाँ, मतलब कुछ चीजें ठीक हैं, कुछ चीजें ठीक भी हैं, कुछ चीजें अपनी नजर में गलत भी हैं। आपको लगता है कि ये धर्म के अंदर भेदभाव किया है इस बुलडोजर? हाँ है, कैसे? है भेदभाव भाई। कैसे, कैसे? आपको कहीं लगा हो एक पॉइंट पे कि यहाँ पर मुझे लग रहा है? आप युवा हैं, आप चीजें देखते होंगे कि कहाँ किस पॉइंट पे आपको लगा, किसी ने बोला आपको, या आपको लगा खुद अनुभव हुआ कि यहाँ पे भाई मुझे लगा कि ये धर्म के अंदर भेदभाव हुआ है? नहीं ऐसे तो बताओ भाई, कोई खबर, कोई ऐसी न्यूज, कोई घटना आपके माइंड में हो कि वहाँ देख के आपको लगा ऐसा? हाँ क्या बताऊँ यार, उधर दिखाओ। अरे सब चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है, यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स सारी चीजों का होता है। उसके घर पर बुलडोजर चलेगा, अवैध संपत्ति जो होगी वो ढा दी जाएगी। सरकार का एक तरीके से मॉडल हो चुका है, विदेशों में भी लोग तारीफ करते हैं और भारत भर में अलग अलग राज्यों में इसकी तारीफें हो रही हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि ये असंवैधानिक है, लोकतंत्र के खिलाफ है। आपको क्या लगता है, सही मॉडल? गलत है, गलत है। हैं कानून क्यों बना हुआ है? जज क्यों लोग बैठे हुए हैं? वो लोग फैसला करेंगे ना, हाँ तो वो लोग फैसला करेंगे। कानून किस चीज पे बैठा हुआ है, बना हुआ है ना कानून, सुप्रीम कोर्ट है ना, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। वो गलत बोल रहा है तो फिर गलत है तो गलत है, हमें कोई हक नहीं है कानून को, हक उसको सजा देने का। मैं आपको मारूंगी, ठीक है, तो वो मेरी गलती है, मुझे कानून सजा देगा। आप मुझे मार सकते हो, जो मैंने आपको मारा तो आप मुझे मार सकते हो, कोई दूसरा नहीं मार।